हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी आपके अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है IDBI बैंक की तरफ से। एग्जीक्यूटिव ESO यानी कि एग्जीक्यूटिव एंड सेल्स एंड ऑपरेशंस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आई है। बट इस बार ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि आपसे बोथ सेल्स एंड ऑपरेशन दोनों ही डिपार्टमेंट में आपका वर्क लिया जाएगा। ठीक है, तो ये निकल के आई है भर्ती 2024 के रिगार्डिंग, जो कि एक ग्रुप सी की पोस्ट है। इसके लिए ना ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे मैं बताऊंगी इसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स। लेकिन अगर आप चाहते हो इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड करना, एग्जाम सिलेबस वगैरह देखना चाहते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए जा करके वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर पोस्ट की बात करें कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या रहेंगे, 1000 यानी कि 1000। पोस्ट क्या है, एग्जीक्यूटिव ESO यानी एग्जीक्यूटिव इन सेल्स एंड ऑपरेशंस। सबसे पहले बात करते हैं हम सीट के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कि कैटेगरी वाइज सीट कैसे डिवाइड किया गया है। देखिए, जनरल वालों के लिए है 448 सीट्स, ओबीसी के लिए 231 यानी 231, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 है, एससी वालों के लिए 127, एसटी के लिए 94। सो ओवरऑल द सीट्स आर 1000। ठीक है, ये हो गया सीट के रिगार्डिंग। अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के ऊपर कि डेट क्या रहने वाला है आपका रजिस्ट्रेशन के लिए, अप्लाई कब से कब तक होगा। तो देखिए, 7 नवंबर यानी 7th of November से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है 16th November यानी 16 नवंबर अंतिम तिथि रहने वाली है। सो यू डोंट हैव टू वेट टिल 16th of November। अगर इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, तो जितना जल्दी हो फॉर्म अप्लाई कर दो, बाद में आपको इश्यू वगैरह फेस नहीं करना पड़ेगा। अब जब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात चल ही रही है, तो एक और डेट आपको मैं बता दूँ। देखिए, जो नोटिफिकेशन आया है ना, उसमें स्पष्ट रूप से मेंशन कर दिया गया कि आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 1st of December 2024, मतलब 1 दिसंबर 2024 को परीक्षा भी हो जाएगा इसका। आप जैसा कि देखिए 16 नवंबर लास्ट डेट है, तो ठीक उसके 15 दिन बाद आपका यहाँ पर परीक्षा करा दिया जाएगा। तो तैयारी तो आप पहले से कर रहे हो, अच्छी बात है। अभी अगर आपको कुछ लग रहा है कहीं पर कुछ छूट रहा है, कुछ चूक हो रहा है, तो तैयारी जोर शोर से आप बढ़ा दो, ताकि 1 दिसंबर को एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आओ। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं फॉर्म के फी के ऊपर कि जिस टाइम आप फॉर्म अप्लाई करते हो, आपसे कुछ रजिस्ट्रेशन फी भी लिया जाता है। तो जो जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनसे 1050 रुपीज यानी 1050 रुपये लिया जाएगा। वहीं जो SC/ST कैंडिडेट है, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, उनसे 250 यानी 250। देखिए, यहाँ पर फीमेल्स को कोई कंसेशन वगैरह नहीं मिलता है। जो भी फीमेल जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, उनसे 1050 ही लिया जाएगा। SC/ST और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, मेल हो या फीमेल, 250 उनको पेमेंट करना है। अब आते हैं हम एज की लिमिट के ऊपर। तो सबसे पहले जानेंगे एज के लिए कट ऑफ डेट। देखिए, एज ऑन 1st of October 2024, 1 अक्टूबर 2024 के अनुसार 20 से 25 वर्ष यानी 20 to 25 years के सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर रिलैक्सेशन की हम बात करें ना, तो ओबीसी के लिए रहेगा 3 years और SC/ST के लिए 5 years यानी कि 5 वर्ष। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया है, अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। अब चर्चा करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट व्हाट विल बी द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सिंपली आप समझ ही गए होंगे, बैंकिंग सेक्टर में जो भी वैकेंसीज आती है ना, जनरली ग्रेजुएट्स के लिए ही रहता है। तो यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने आर्ट्स लिया है, कॉमर्स है या साइंस लिया है, तो आप एलिजिबल रहोगे। डजंट मैटर ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज था, सिंपली ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर देना। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, सिलेक्शन आपका 4 स्टेज के बेसिस पे होता है।
पहले स्टेज पर ऑनलाइन टेस्ट यानी ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपके नियर बाय सिटी में ही ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद आपका डीवी होता है, मतलब कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। थर्ड स्टेज पे जाके ना पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद बेसिक्स आपका एक प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल कराया जाता है PRM, उसके बाद मेरिट लिस्ट में नाम जारी कर दिया जाता है, फिर आपको आपका कॉल लेटर सेंड किया जाएगा और आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा एज अ एग्जीक्यूटिव इन सेल्स एंड ऑपरेशन इन IDBI बैंक। तो चलिए अभी हमने मतलब ब्रीफ में तो समझ लिया है कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, इन डिटेल मैं अब अभी आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम का पैटर्न, तो बेसिकली जो भी ना बैंकिंग का एग्जाम होता है उसमें टाइम अलॉट भी किया जाता है, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए टाइम आपका शेड्यूल होता है कि इतने मिनट तक ही ये आपका ओपन रहेगा। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इसमें कितना क्वेश्चंस रहेगा, 200 यानी कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 1 मार्क यानी 1 नंबर दिया जाता है, टाइम 2 आवर्स यानी 2 घंटे का है और निगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा, तो 0.25 का निगेटिव मार्किंग है। अब जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि 2 घंटा यानी 120 मिनट, तो ओवरऑल क्या 2 घंटे में कोई भी सब्जेक्ट बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए टाइम शेड्यूल बताया गया है, तो मैं बता देती हूँ सब्जेक्ट वाइज कितना कितना आपको समय दिया जाएगा। पहला सब्जेक्ट है हमारा क्या, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इससे आपका 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए है। समय जो आपको मिलता है ना 40 मिनट्स यानी 40 मिनट आपको दिया जाता है लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के लिए। सेकेंडरी आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है फॉर 40 क्वेश्चंस विच इज़ फॉर 40 मार्क्स। अब टाइम शेड्यूल बात करें ना, तो इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट्स यानी 20 मिनट का समय दिया जाता है। थर्ड सब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो मैथमेटिक्स का भी 40 क्वेश्चन 40 नंबर के लिए, टाइम 35 मिनट यानी 35 मिनट्स रहेगा। लास्टली जनरल इकोनॉमी या फिर बैंकिंग अवेयरनेस या फिर कंप्यूटर या IT से रिलेटेड कंबाइन करके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए है और इसके लिए समय आपको 25 मिनट यानी 25 मिनट मिलता है। सो ओवरऑल एग्जाम 200 नंबर का है, 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम 2 आवर्स यानी 120 मिनट है और निगेटिव मार्किंग है 1/4 का। तो ये एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो, फिर DV होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। तो क्या सिलेक्शन के बाद ये आपका परमानेंट जॉब होता है? देखिए जॉब आपका परमानेंट ही है, लेकिन फर्स्ट 2 ईयर होता है आप प्रोबेशन पीरियड के ऊपर होते हो, आप जितना अच्छा वर्क करोगे आपका आगे सिलेक्शन होगा। अब मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप बैंक जा रहे हो, घूम के वापस चले जा रहे हो, कुछ काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तभी आपको निकाला जा सकता है। अदरवाइज ये आपका जो है परमानेंट जॉब होता है, जब तक कि आपका रिटायरमेंट का एज नहीं होता है आपको इस बैंक में अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छा वर्क करने का। आप चाहे तो इसमें आगे एग्जाम वगैरह निकाल के यहाँ पर आपको अच्छा प्रमोशन अच्छा पोस्ट भी मिल सकता है। सैलरी की अगर बात करें तो ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड फर्स्ट ईयर आपको 29,100 रुपये पर मंथ मिलते हैं, सेकेंड ईयर 31,000 यानी 31,000 पर मंथ मिलते हैं, उसके बाद आपकी सैलरी जो है बढ़ते बढ़ते 50, 60, 70 ऐसे महीने की हो जाती है। तो देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, इसे मिस ना करें। इसके रिगार्डिंग मैंने ओवरऑल कंप्लीट डिटेल आपके सामने पेश कर दी है। अब भी कुछ डाउट है इसके विषय में, कुछ जानना चाहते हो, विदाउट हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो एक लाइक तो बनता है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो के शेयर करके बता देना कि नई अपॉर्चुनिटी आई है उनके लिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आप ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट ना सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट को लेके, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।